कभी कभार अगर चलना चलाना होता है तो चला भी देते हैं। तो टीएसएम एनडीटी के प्लेयर्स के पास वो ऑप्शन है, वो वर्सिटैलिटी की है। और इसी के चलते हम लोग आ चुके हैं हमारे ओवरऑल स्टैंडिंग्स की तरफ। जी हाँ, ओवरऑल स्टैंडिंग्स पर अगर नजर डाल तो गैलेक्सी रेसर्स सेल्स की जो स्क्वाड है सेकंड पोजीशन ले चुकी है स्टैंडिंग्स में। आरआरक्यू अथीना और सेल्ट्स के बीच में अभी भी एक बहुत बड़ा फासला है, क्योंकि आरआरक्यू अथीना बैठी है 253, सेल्ट्स 225, बिगट्रॉन बिल्कुल पीछे है सेल्ट्स के 217 पॉइंट्स के साथ, लेकिन फिर मेगा स्टार्स के अलावा बाकी सारी टीम्स जो हैं वो थोड़ा सा ज्यादा दूर चल रही है। मेगा स्टार्स 194, उनको भी एक फासला तय करना है बिगट्रॉन को चैलेंज करने के लिए। लेकिन टीएसएम एंटिटी के पॉइंट्स देखना चाहूंगा मैं, 120 पॉइंट्स पर पहुंचते हुए 14th पोजीशन इन्होंने अभी ली है। लास्ट टाइम जब देखा था आफ्टर फर्स्ट टू गेम्स वहां से इनको एक एक पॉइंट मिला था, और अब फाइनली एक अच्छी किक स्टार्ट टीएसएम की तरफ को देखने को मिल सकती है एक चिकन डिनर के साथ। उनके जस्ट ऊपर टीम आईएनडी भी है 127 पॉइंट्स के साथ। तो ये टीम 100 पॉइंट्स का आंकड़ा जो इन्होंने पार किया है, ये अभी के लिए तो इनको टॉप 16 में रखेगा, क्योंकि नो चांस टीम आज नहीं खेल रही। उसके ऊपर से जो दो हमारी नई टीम्स आई हैं वो ऑलरेडी एक बहुत बड़े डिसएडवांटेज के साथ खेल रही हैं और उनके गेम्स भी खराब जा रहे हैं। देखिए, अगर यहाँ पे जो दो टीम्स की बात कर रहे थे, यू लेवल अप और हमारे टीम फ्री स्टाइल, उन्होंने धीरे धीरे स्टेप अप करना चालू किया, तो देखते हैं आगे कैसे खेलते हैं। एग्जैक्टली।